देवरिया में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहां मामले में डीएम की ओर से संज्ञान लिया गया है। दोषी पाए गए वार्ड बॉय पर कार्रवाई हुई है। तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तस्वीर पर सवाल हुआ था इस मंच से। साथ ही पीड़ित परिजनों ने R9 टीवी को धन्यवाद भी दिया है। तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें यहाँ के अस्पतालों में कैसे देखने को मिल जाती हैं, जब चाक चौबंद व्यवस्था स्वास्थ्य महकमे ने कर रखी है। सवाल किया था R9 टीवी ने और अब जवाब आया है। हम लोग को बहुत सहायता मिला, हम लोग बहुत सही से सलामत से रहता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो एजेंसी है प्राइम की, उनको भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि कुछ वेतन विसंगति का उनके लोग हड़ताल पे थे, तो उनसे जवाब तलब किया गया है। और दरअसल आपको बता दें कि देवरिया जिले से अस्पताल महकमे को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया था, तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक महिला और उसका मासूम बच्चा अपने बुजुर्ग परिजन को स्ट्रेचर पर खींचते हुए नजर आ रहे थे और एक बच्चा धक्का दे रहा, देखिए तस्वीर के जरिए, जहां माँ उस स्ट्रेचर को आगे से खींच रही थी, वहीं 4 साल का मासूम बच्चा पीछे से धक्का दे रहा था। दोनों मरीज को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, जहां उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आइए आपको सुनवाते हैं कि परिजनों का क्या कुछ कहना था, तकलीफ क्या थी, क्या रहते हैं, उनको खिलाते हैं तो हम लोग बच्चा को दूध दूध पिलाने के लिए उन्होंने नहीं, वार्ड बॉय कोई नहीं था क्या घर पर? नहीं, यहाँ पे जब आप लोग खींच रहे थे तो ऐसी स्थिति क्यों थी, कोई था नहीं खींचने वाला? क्या अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं था? नहीं।